ई जोड़ीदार सुन मोर यार ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते ए जोड़ीदार सुन मोर यार ले जाऊँ ओ तोला संगे बाजार घुमा लाहूँ ले जाऊँ ओ तोला संगे बाजार घुमा लाहूँ। कारी सौ रिंगी टूरी करिया घटकस चुंदी मटके तोर कनिहा मन मोहि डारे वो मार के अखिया मन मोहि डारे वो मार के अखिया हाय रे मोर दौना पान काबर मूल मारे बान नैना तुर छुरी छाती माँ लागेऊ नैना तुर छुरी छाती माँ लागेऊ। नमस्कार और जय जोहार आप जम्मो संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार आप मन देखा था हमारे मोर मितान चैनल संगवारी आज हमारे बीच में अभी हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोक गायक शंकर झारिया जी आज इखर सन गोट बात करबो और जानबो इखर गीत संगीत के सफल ला बिल्कुल और आप मतलब तो मालूम हो इस संगवारी इखर मन के बहुत अकन अच्छा अच्छा गाना आ चुके हैं बहुत साल पहले आए रही से तो गोट बात करबो कहाँ रहना होते कैसे गीत संगीत के सफर में मन आगू वही से सब चीज़ ला जाने बार मिले तो बिल्कुल बने रहो हमारे इंटरव्यू में हमारे गोट बात में। तो ज़्यादा देर ना करते हो सीधा मैं गोट बात के शुरुआत करता हूँ लोक गायक शंकर झारिया जी से। सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है झारिया जी जय जोहार। जय जोहार जी अपन बारे में बताओ आप मन के जन्म कब हुई से कहाँ रहना होते पढ़ाई लिखाई ये सब ला बताओ। मोर जन्म सन 70 में बंदौरा में हुई से। कौन सा जिला माथे है? यह कबीरधाम जिला माथे जी कबीरधाम कमरधा से 13 किलोमीटर पूर्व में है। और ये गाना बजने के शौक मुला बचपना में जी। आपन के शिक्षा बताते हो कहाँ रहे? मोर शिक्षा 8वीं तक है। अच्छा 8वीं तक है। अच्छा तो ये आप गीत संगीत के क्षेत्र में कैसे कदम रखे हो कतेक बढ़ रहे हो आप मन हाँ तब ये क्षेत्र आप मन जुड़े हो काखर माध्यम से आओ वो सब थोड़ा शुरुआत से अच्छा से बताओ। गीत संगीत मैं 10-11 साल के रहे हैं तब मैं कृष्ण लीला मंडली हमारे यहाँ चलत रही थी जिनमें ईश्वर प्रसाद दुबे स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद दुबे के माध्यम से मोला तालीम करे के मौका मिली जिनमें मैं कृष्ण लीला में सखी नटी सूत्रधार वगैरह हर काम करे मैं और वहाँ से मोर संगीत लाइन यहाँ चालू हुई से उकर बाद धीरे धीरे लक माध्यम ला छोड़ के फिर नाचा सीखें नाचा में मैं डांसर के भी काम करें। अच्छा उकर बाद आगे चलते रहे से कुछ दिन चले के बाद फिर बुजुर्ग जिन कलाकार है हमारे उन कलाकार के माध्यम से उनका देखा सीखी में उनला उतार के मतलब रचना करे के कोशिश करें फिर रचना तैयार करें और रचना तैयार हुए हमारे यहाँ फनु बारागी जी है वो हमारे गुरुदेव समान या गुरुदेव कहा जाए उखर माध्यम से फिर साथे साथ हम दोनों कैसेट निकाले भी प्रयास करें फिर कैसेट भी निकालें साथ में विमेर तक स्टूडियो से और कुछ दिन हम साथ चलें और बराई भाई है मंडली पार्टी लेके जुड़ी और मैं हाँ ये संगीत लाइन छत्तीसगढ़ी ही धर के चले वो दिन से हम भले अलग हन लेकिन आज भी हमारे पास मित्रता है जी। तो आप मन हाँ लीला में गए हो नाचा में गए हो उसके बाद लोक सांस्कृतिक संस्था भी आप मन के जुड़ाव रही से तो सर्वप्रथम काखर संस्था से आप मन जुड़े हो या फिर खुद के लोक सांस्कृतिक संस्था से खोले हो कैसे रही ओकरो सफल बताओ। ये छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम ला हमन हाँ फनो दाव के ही माध्यम से दोनों जन खोलें। अच्छा और दोनों ही प्रारंभ करें। अच्छा इमा फिर हमारे साथ में सीमा कौशिक भी शामिल हुई और हमला सहयोग करी जेखर माध्यम से भी हम कैसे निकालें कमरधा बाजार के नाम से और वो बहुत समय हो गए वो कैसे टपन समय में अच्छा चली जी।
और सीमा के पार्टी अलग गई, हमार पार्टी अलग चली, तब से हम अलग अलग चलथन और आज भी चलते हैं। लेकिन कुछ समय पहले से, आज 15 साल 16 साल पहले से ये कार्यक्रम लग बंद कर दिए हैं। अच्छा, दूर हो गए हो आप मन। हाँ, लेकिन गांव बस्ती के माध्यम से, संगी भाई के माध्यम से हमेशा सुने मिलते कि कार्यक्रम चालू कर, तभी कैसे निकाल। तो ये प्रयास में मैं भी लगे हाँ, और इच्छा जगे मोरो भी। अभी तो यूट्यूब मन में आप मन के गाना थे कल। हाँ, कमरधा बाजार वाली कैसेट आते। अभी आओ नवा करवा था नवा। अभी नवा नहीं करवाए हैं। अच्छा, नहीं करवाए, करवाए तैयारी में है। हाँ, हमन जी। हाँ, बिल्कुल गोड़ बात तो जारी रही। आप मन हाँ, वो कमरधा बाजार के एक आठन गाना सुनाते हो, कहते हो बहुत हिट हो रही आप मन को कैसेट कमरधा बाजार वाला, तो हमें एक आठन गाना सुनाते हो, कहते हैं झारे जी। हाँ, कमरधा बाजार में तो ऐसे गाना हवा है तोमा की, एक गाना है मैं सुना था, युगल गीत है। ये जोड़ीदार सुन मोरे यार, ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते, ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते, ले जाते या मोला संगे बाजार घुमा लाते। ये जोड़ीदार सुन मोरे यार, ले जाऊँ ले जाऊँ ओ तोला संगे बाजार घुमा लाऊँ, ले जाऊँ ओ तोला संगे बाजार घुमा लाऊँ। ऐसे ही गाना की रचना है। बहुत सुघर। तो ये कैसेट लाभ मन कौन से सन में निकाले रहो, कुछ सुरता हुई के साल पहली? ये कैसेट है शायद मोरी साहब से 93-94 में निकले शायद। अच्छा, एक कैसेट के जब गाना मना हिट हुई से लोगन मन के बीच जब चलेल धरी से, जब पसंद करेल धरी सो मना, तो कहीं ना कहीं लगते कि एक कैसेट के बाद से आप मन के भी जो है पहचान बढ़ी सो ही। हाँ, एक कैसेट के चले से हमार पहचान बढ़ी थी। लेकिन इमा सीमा हमार सॉन्ग रही ना, वो हा होगी अलग पार्टी खोली, उखर बाद से थोकन मध्यम पर गिन हम। अच्छा, काबर साथी छूट गए थे घर से थी। जी जी। और मध्यम पर एक बाद फिर हम दूसरा गायिका के माध्यम से ये कार्यक्रम ला आगे बढ़ाए की कोशिश करें, और कम से कम 10-12 साल तक चलाएं ये संथला, बाहर में गांव में आसपास के गांव में ऐसे कार्यक्रम दे हैं, लोगन के माध्यम से यही जानकारी मिली कि कार्यक्रम बढ़िया है, पसंद करें लोगन। हाँ, एक लेकर हम लोगन के धन्यवाद देता मैं हैं, काबर कि उनला पसंद तो आई थी। अभी थी बंद का कारण हुई से, मोर साथी रहे से जोड़ीदार रत्नाकार भरत कौशी, ओखर निधन हो गए। वो समय से थोड़ा से रुझान में कमी ऐसे, और कार्यक्रम फिर हमार बंद हो गए। तो रचनाकार पूरा रचनल वही करे हैं? नहीं, हमार पास 4 रचनाकार रहे। अच्छा। एक प्रहलाद सिंह कौशी जिन हमार छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के संगीतकार हैं, लखन दास मानीपुरी बांसुरी वादक रही थे, और भरत कौशिक रचनाकार, और मैं खुद लिखा अपन तरफ से छूट फूट। जी जी। जैसे भी बनाए वैसे मैं भी रचना करते हैं, ऐसे हम 4 रचनाकार हैं संस्था में। तो सीमा कौशिक जी कई साल तक रही साहब मन के साथ में? सीमा कौशिक है वैसे हमारे साथ में 2-4-5 साल बिताए हैं, कार्यक्रम उखड़ संग दे गए हैं। कर बाद ना जैसे कैसेट निकले, कैसेट के चले के बाद ही वो अलग हुई थी। अच्छा। ओकर पहले जुड़े रहे हैं, फिर हम अलग संस्था लेके फिर चालू करे हैं। कितने कन गाना साथ में गाया हो अपन ओकर संग में, लगभग कितने कन कार्यक्रम सहित? तो बहुत सारा गाना गाए हैं। रिकॉर्डिंग वाला बात? रिकॉर्डिंग में कम से कम हम 8-10 गाना गाए। अच्छा। हाँ, वो समय तो रील वाला कैसेट के जमाना रही सोई। हाँ, वो समय कैसेट रील वाले रही से, कैसेट चलत रही से, वही समय गाना है जिन्हा हम हीरा कंपनी के माध्यम से निकाले रहे। जी, तो आकाशवाणी में भी आप मन के गाना रिकॉर्डिंग हो है? आकाशवाणी में? आकाशवाणी गे रहे हैं। हाँ। लेकिन घरे मार जब आकाशवाणी वाली ना, तो वो दौरान हमार 3-4 गाना के रचना रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से 2-4 बार सुनील मिले रही से। हाँ,
ओमा के एक गाना में सुनात हूँ जिन पारिवारिक है। बिल्कुल सुन तो सुन तो ये नूनी की दाई, सुन तो ये नूनी की दाई, ज्यादा झन लैका मा होते वो कर लाई। सुन तो नानी नानी लैका घर मा पर गे दिन दुकाल, कैसे कट ही दिन हा बहे आंसो के साल। किलिल कालल लैका रोथे करथे खाओ खाओ, मर जते ये दुख मधनी काला तोल बताओ। हर दिन उन मिर्चा के बढ़ गया महंगाई, ज्यादा झन लैका मा होते वो कर लाई। सुन तो ऐसे गाना आकाशवाणी के माध्यम से सुनने में मिल रही। बहुत सुघर रचना है भाई, आपे मन करे होगा एक रचना। हाँ, ये रचना करे मैं। तो आप मन के झन लोग लैका है अभी? मोर लैका छः जन है। अच्छा, तीन लड़की तीन लड़का। तो नोनी दाइल का लई नहीं हो अब बढ़ गए लैका मन है, पहली बचपना रही थी लैका मन के। तो हाँ, स्थिति देखते हुए ना ये कल्पना दिमाग में ही से, काबर यह गरीब परिवार के बनिहार के मजदूर के पक्ष में ज़्यादा जाते, काबर उन ला नाना लैका रहे के बाद भी बनी भूति करेल पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, बनी करेल पड़ते तभी चलते। तो मर दिमाग वहीं से अभी हमार छः लैका है और गरीब आदमी बनी करे जाते, तेखर पास का समस्या थी, मतलब ये सबसे बड़े समस्या रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जोला अपन देखत रहे ओखर रचना करे वैसे है। हाँ, काबर हमेशा बात बनिहार आदमी जाए पड़ते, चाहे ओखर लैका रोए चाहे गावे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये दिमाग में रखते ये रचना में तैयार करें। कतको करबे बनी भूति भरे नहीं पेट, चार खवैया एक कमैया हरागे उचित। बिल्कुल, सुत उठ के बड़े फजर ले जाथन बूता काम, मा करिल परते हटर हटर पर घरिया कामला। हाड़ा होगे तनहा बही जरे वो कमाई, ज्यादा झन लैका मा होते वो कर लाई। सुन तो खर बात ना, फिर दिमाग कोई सुनता बान हेल पड़े, बाइल के हेल पड़े कि ऐसा नहीं कर लई है तो का करे। खोले है परिवार नियोजन ये भारत सरकार है, दू झन नूनी बाबू जेखर सुखे वो परिवार है। छन छन ले रही थी सुगर घर यो दुआर है, माली मोरे कहना नहीं बढ़ावन परिवार ला। सुमतला मढ़ा के चल नसबंदी कराई, ज्यादा झन लैका मा होते वो कर लाई। सुन तो ये नूनी की दाई, ज्यादा झन लैका मा होते वो कर लाई। सुन तो क्या बात है, अद्भुत रचना वाकई में झागे जी आप मन के। पहले के जमाना में तो इसने ज़्यादा रखे लोग लेकर ला, सही बात है नहीं? ऑपरेशन वही समय खुले रही थी, पहले धर धर के लेगा तो आदमी पकड़ के ले गए ऑपरेशन करवा। तो वो समय हम थोड़ी सी गेम जान गए, जागरूकता। बिल्कुल सही बात, तो कम से कम छोटे परिवार से सुखी परिवार रही ऐसे के आखिरी कड़ी में दर्शाएं। हाँ बिल्कुल सही एकदम रचना है आप मन के, जन जागरूकता कहीं ना कहीं। आप मन के जैसे बात करबो तो लगभग कतेकन गाना हुई और कैसन कैसन प्रकार के गाना गाए हो? अब बस आप सुने ना। मोर पास ऐसे कर्मा भी है, ददरिया भी है, एकाध फागी थी, जल गीत है, ऐसे हर प्रकार से अपन तरफ से कोशिश करे हैं। और रिकॉर्डिंग में कते कन के गाना रिकॉर्डिंग करवाए हो आप मन? हाँ, अब वही समय रिकॉर्डिंग की धुन रही से अभी नहीं करवा पाए हैं। अच्छा, नहीं करवा। तो वो समय ना जिन गाना आठ दस ठन के हो रही से सीमा साथ वही हुए हैं। अब तैयारी बनात हन, अब
हो जाए तो बढ़िया है, और हो गए ना तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो छत्तीसगढ़ वासी तो सुने मिली। बिल्कुल भाई, तो आप जब कार्यक्रम दे बर जाओ तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी गए हो कार्यक्रम दे बर हो जाओ, वो समय जब शुरुआत कर रहे हो था। हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर हम एमपी में गए हैं, एमपी के क्षेत्र में आपके पहले वो साल टिकरी वगैरह पर है वो तरफ भी गए हैं, इतनी मंडला क्षेत्र में अधिकतर दे हैं। अच्छा, मंडला का आस पास तक पूरा कार्यक्रम दे हैं जी। और अपन अपन देहात में प्राय आस पास के हर गांव में, मुरगांव बंदोरा पास के गांव बमनी है, धमकी है, चार भाटा है, गोछिया है, घटोली है, केंदपुर है, चिरौनी है, ये सब जगह में ज़्यादा हो, जिंदा है, इन जगह में पिपरिया है, इन जगह में मैं कार्यक्रम दे चुके हैं। तो आप मन के घर परिवार में भी कोई कलाकार रहीन है शुरुआत जैसे बात करबो? नहीं, मोर यहाँ ऐसे कोई कलाकार नहीं रहने गए, भजिया बाबू तो खेती के किसानी वाले, भाई भी खेती किसानी वाले, मोला शौकीन नहीं रहने। तो आपला कैसे शौक खोल धर ली गीत संगीत के? पता नहीं, ये सब माँ की कृपा है जिन विराजमान हुई स्वर में और संगीत के लगन लगाई से, तो ओखर कृपा है और गांव वाले भाई बंधु से लेके छोटे बड़े के आशीर्वाद है जिन्हें मोला ये मार्ग पर प्रेरित करी से। जी बिल्कुल, गोट बात और जारी रही है, थोड़ा गीत सुन लेते हैं हाथ रहें आप मन के। करी सौरिंगी टूरी करिया घटक सचुंदी मटके तोर कनिहा, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, करी सौरिंगी टूरी करिया घटक सचुंदी मटके तोर कनिहा, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मैं न मजूर तही मोर पड़की परे होना, मैं न मजूर तही मोर पड़की परे होना, बन के कोयली मोर पिंजरा के सुहाना, बन के कोयली मोर पिंजरा के सुहाना, हृदय के कुरिया माँ हृदय के कुरिया लाने रखा मैं हदूरिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, करी सौरिंगी टूरी करिया घटक चुंदी मटके तोर कनिहा, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया, मन मोहि डारे वो मार के अखिया। क्या बात, बहुत सुघर हो आप, आज भी आप मन के आवाज़ काफ़ी बुलंद लगा थे। बात करबो जब कार्यक्रम दे बर जाओ तो कौन से गाना ज़्यादा डिमांड रहा है, लोगन मन कौन से गाना ज़्यादा सुनबो का है आप मन के? वैसे मोर अभी एक कल गात रहे ना, तीन लसुना चाहत रही थे और दूसरा गाना भी मांग करते थे, बताते हैं। हाय रे मोर दौना पान काबरे मूल मारे बान, हाय रे मोर दौना पान काबर मूल मारे बान, नैना तुर छुरी छाती माँ लागे वो, नैना तुर छुरी छाती माँ लागे वो, हाय रे मोर दौना पान काबर मूल मारे बान, हाय रे मोर दौना पान काबर मूल मारे बान, नैना तुर छुरी छाती माँ लागे वो, नैना तुर छुरी छाती माँ लागे वो, ये गाना मांग चलत रही थी। बहुत सुघर भाई, तो आप मन के अभी कहीं ना कहीं अब कार्यक्रम में नहीं जात हो तो सुरता आत हो, मन लगत हो, अभी मन जाते कि नहीं जाए उड़ान? हाँ, पुराना दिन याद आते, पुराना दिन याद आते, काबर नहीं का है छोटे कारण ना, थोड़ा से मन में थोड़ा भय लगते कि कल के डेट और आज के डेट में अंतर है, का है कल के गाना बजना लग रही थी, आज की गाना बजना थोकन अलग हो गई है, आजकल के गाना है थोकन चार दिनिया गाना चलती, और पहले गात रहें तेना सरल भाषा से गात रहें, आजकल तो हिंदी शब्द के ज़्यादा
मिलावट मिलते गाना में छत्तीसगढ़ी में। हमारे समय मौसम ज्यादा छत्तीसगढ़ी ही गाना चलते रहते, हिंदी कम रही, हिंदी कम, हिंदी की मिलावट कम रही से। हाँ जी। अब ये सब हमला पुराना कलाकार जिन हैं, गौतम चंद जय हैं और पंचराम मिर्जा जैसे हैं, बैतर राम हैं, धुरवाराम मरकाम जी, धुरवाराम मरकाम हैं, इखर मन के इखर से प्रेरित हुए हैं, इखर शब्द से प्रेरित हुए हैं। अच्छा जी। अब ही हमला ये ऐसा टाइप के रचना करे बर कही से। बिल्कुल भाई, जब आप मन कार्यक्रम दे बर जाओ तो कार्यक्रम दे बर जाओ तो लोगन मन के बहुत भीड़ रहा है, तो कैसे कुछ माहौल रहे, का कुछ माहौल रहे गांव में जब जाओ तो ओखर अनुभव भी बताओ ना आप मन हो, और के कुछ याद ताज़ा करना चाहो। जैसे हम कोई भी गांव गए हैं अभी तक हमारे गांव जिन भी गांव गए हैं हमला वहाँ की गांव के लोगन से पास के आए हुए जनता से हमला अच्छा प्रेम मिली से और भरपूर हर ढंग से सहयोग मिली से, कोई प्रकार के कोई जगह वाद विवाद के मौका नहीं मिली से। कार्यक्रम ला बड़ा शांति के साथ सुबह तक देखें, यही हमारे एक प्रसन्नता की बात है। और खासकर जिन विवाद नहीं बने आज तक कार्यक्रम में हमारे, तीन अच्छी खुशी की बात है। शुरुआत कैसे हुआ आप मन के कार्यक्रम के, कई बजे चालू करो, पहली का गाना गाओ, फिर आखिरी में का रहा है, बीच में का रहा है, कैसे टाइप पूरा प्रोग्राम रहा है? शुरुआत में तो हमन है माँ सरस्वती के वंदना से ही चालू करें। के बजे कार्यक्रम चालू है पहली हमारे कार्यक्रम तैयारी करत लग ज़्यादा नहीं तो 10:30 बज जाए। अच्छा 10:30, कोनो समय 11 भले बजे है, नहीं तो 10-10:30 के बीच में चालू करें। 90 दशक के बात हुई है। हाँ 90-95 में चलते रही ना। हाँ अला 2004 तक तो कंप्लीट दे हम कार्यक्रम, चार के बाद थोकन कमियाँ ऐसे वो साथी भाई के चले जाए कारण। तो आप मन गाना गाओ, गाना के साथ साथ अभिनय हलो करत रहे हो, नृत्य भी करत रहे हो? हाँ मैं कोई साथी भाई कलाकार सहयोगी, वो जब गाए ना तो शौक से मैं एक दो गाना में बिल्कुल नृत्य कर निकल जाऊँ। अच्छा अभिनय करे बर निकल जाऊँ और हास्य कलाकारी के मौका लगे ना, वो समय भी थोड़ा बहुत हिस्सा तारी बना। जी जी, तो ये सब विधा से अपन जुड़े रहे अब मतलब, हाँ है नहीं? हाँ रही बात हारमोनियम की, तबला की, ढोलक की, ये बजाय नहीं आए, वादक पक्ष से दूर है, वादक पक्ष से दूर हैं, लेकिन वाद्य यंत्र में सबकी ज्ञान रही थी। अच्छा, और नृत्य पर हास्य पर निकल जाऊँ। तो जब पहली जब आपन कार्यक्रम दे बार जावाओ तो वो समय कतेकन में बुकिंग हो, कुछ सुरता हबे आप मन ला कुछ बताना चाहो ओखर बारे में? वो समय तो अब कहा जाए, वो साथी भाई मन आतीन, लड़की है, लड़का है, सहयोगी वाद्य यंत्र वाले है सहयोगी, तो उखर ले जैसे पेमेंट बन गई 4 पैसा, वो हिसाब से चले जाएँ, जे में बचाए चाहे मत बचाए, ऐसे हिसाब से हम काहे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, पढ़ाना है, अपन भी आगे चलना है, ये सोच के ना पैसा का मोल उस समय नहीं समझते रहें, 5-7 हज़ार से चालू करें हम। अच्छा उस समय 93-94? हाँ 5-7 हज़ार देवे ना, तीन में चल दें। के जन रहा हो उस समय? हम ज़्यादा नहीं था, हम 16-17 जन रहा। अच्छा, अब आना जाना कामे करा? आना जाना तो घर के ट्रैक्टर रहा है तो ट्रैक्टर में चल दें, तीर तार में रहा था आपके ट्रैक्टर? हाँ और दूरिया जा पर रहे ना तो फिर 407 वगैरह की बात करते हैं। कभी कभी तो टेम्पो गए हैं। अच्छा जी बिल्कुल, वो समय टेम्पो भी चले, टेम्पो से भी आ गए हैं जी, लेकिन नज़दीक में जहाँ तक हो ट्रैक्टर की व्यवस्था बने ना तो ट्रैक्टर में गए हैं सबके सब जी, काहे के राशि कम लेते रहें, बचा आगे चलना है जी बिल्कुल। एक हर स्थिति गोर बात तो जारी ही है, वो 1-8 गाना सुनाते कहते हैं अभी एक ठन आप लम्बे जैसे ये दशहरा आते हैं, दीपावली के सत्र हैं, आने वाले हैं, नारती के
दशहरा लगती तो हमारे यहाँ भाई जी है वो एमपी से जंगल क्षेत्र से आए थे, दशहरा नहीं देखा रही थी कमरधा के, तो उखर आए थे मोर अंदर ये जगह केला दशहरा दिखाते हैं कहा ये देखे नहीं जी। तो एक ठन रत्ना मैं उला स्पेशल उखरे लिए करे हो बस ताकि उला दशहरा दिखा दूँ। तो दशहरा के एक ठन मैं आपला बाइक ले जुड़े हूँ, सुन लेता भाई। चल न जाबो दशहरा कंवरधा के, चल न जाबो दशहरा कंवरधा के, खवाहूँ बतासा हो संगे घुमाते तोला बही मोरो लगे आसाओ, संगे घुमाते तोला बही मोरो लगे आसाओ। चरखे झूलाहूँ ढेलवा झूलाहूँ आहे तोला वो मतासी, सर्कस देखाहूँ सनीमा देखाहूँ अड़बड़ा ही तोला हाँसी, सर्कस देखाहूँ सनीमा देखाहूँ अड़बड़ा ही तोला हाँसी। जाय बर जाबेरी साबे झन, जाय बर जाबेरी साबे झन, हो जाही तमाशा हो संगी घुमाते तोला बही मोर लगे आसाओ, संगी घुमाते तोला बही मोर लगे आसाओ। क्या बात, बहुत सुखर हुई। बाजारों चारो मूड़ा हो ही यानी बनी तुलखवा हूँ, धरकी किंजर भी हाथ बही पारा पारा की दुर्गा देखा हूँ, धरकी किंजर भी हाथ बही पारा पारा की दुर्गा देखा हूँ। जाबो विंद वासनी दोनों जन, जाबो विंद वासनी दोनों जन, नवा बुन माथा हो संगी घुमाते तोला बही मोरो लगे आसाओ, संगी घुमाते तोला बही मोरो लगे आसाओ। बहुत सुखर भाई, वाह। ऐसे ही रत्ना मैं जी एक ठन जज की सुनाते हैं कहते आप मन के, चलो मुखड़ा मैं सुनाता हूँ आप लोग। दे दर्शन मुलमा महामाया रतनपुर की, दे दर्शन मुलमा महामाया रतनपुर की, सुनी हवा बड़ महिमा तोर, सुनी हवा बड़ महिमा तोर, मैं आए बड़ दूर ले। दे दर्शन मुलमा महामाया रतनपुर की, दे दर्शन मुलमा महामाया रतनपुर की। बहुत सुघर धारिया जी, अपन परिवार के बारे में बताते हो आप मन के भाई बहनी हो तो आप मन। मोर परिवार में अभी फिलहाल पिताजी स्वर्ग हुए, स्वर्गीय पिता जेठूराम झारिया, माता दो हैं, एक अनुपा बाई एक पार्वती, और हम दो भाई दो बहन होते हैं। बड़े भाई की वो भी स्वर्ग आ चुके हैं, उखर बच्चा नहीं है, भाभी घर में है फिलहाल, और मोर तरफ से बच्चा है छः जन, तीन लड़की तीन लड़का, जिनमें एक लड़की आँख से अंधी पर्स विकलांग है बड़े वाले, दो लड़की ससुराल चले गए हैं उखर भी बाल बच्चे हो गए हैं, एक लड़का के शादी करने के बाद उखर तरफ से चार नतनी आगे है, दो लड़का शादी करे बड़े बच्चे हैं जी। बिल्कुल भाई, तो आने वाला समय में का कुछ तैयारी है अब आप मन के? आने वाला समय में तैयारी मोर अब यही है कि आज देखता मैं सब लेना, और लोगन कही थे मोला गांव के लोगन कही थे, तो अब ये गाना ला मैं यूट्यूब के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं जनता से गांव के लोगन से यही अपेक्षा चाहता हूं कि ये गाना सुने के आए के बाद सुने के बाद मोर मनोबल बढ़ाए कोशिश करी जी। मैं यही आशा के साथ
ये रचना है तेला यूट्यूब के माध्यम से सुनाहूँ जी। और बहुत जल्दी हो सके दीपावली दशहरा के पहले मिली आदमी ला सुनेला। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोर बात करे हो, अपन अनुभव साझा करे हो, वो अपन के बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन आप हमारे बीच पधारे और आके हमला हमार छत्तीसगढ़ की जिन भाषा है छत्तीसगढ़ी वो भाषा की छत्तीसगढ़ की गानक माध्यम से जनता तक लोगन तक पहुँचाए पर हमला प्रेरित करे एक लिए आप धन्यवाद। जयराम जयराम। तो संगवारी हो एकर साथ इंटरव्यू आखिरी करथन, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। मिलथन और नवा कलाकार के संग में देखा तो हमारे मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।